यही वो घर है जहां से एक मजदूर मजदूरी करने के लिए 1850 किलोमीटर दूर मुंबई जाता है और दस्ताना फैक्ट्री में दस्ताना का काम करता है और उस दस्ताना फैक्ट्री में आग लग जाती है और उस मजदूर की दर्दनाक मौत हो जाती है। अब आप समझ सकते हैं कि इस गांव के लिए कितनी बुरी खबर है, कितनी दुखद खबर है कि एक ही गांव से जो है 3 लोगों की मरने की खबर है। अभी हम मधुबनी जिला के लदनिया प्रखंड के मिर्जापुर गांव में हैं और मधुबनी जिला के लिए बहुत ही दुखद खबर है। सुबह सुबह जो है नेशनल मीडिया पर जो है ब्रेकिंग न्यूज चलती है, मुंबई के संभाजी नगर में जो है दस्ताना फैक्ट्री में आग लग जाती है जिसमें 6 लोगों की मौत हो जाती है। और सबसे दुख की बात यह है कि 4 लोग मधुबनी जिला के थे, एक आदमी जो कि बाबूबरही प्रखंड के थे और 3 व्यक्ति जो कि लदनिया प्रखंड के मिर्जापुर गांव के थे। मेरा नाम मोहम्मद हाफिज तुफैल सिद्दीकी है, मेरा घर मिर्जापुर है। जब कैसे आप लोगों को पता चला है कि फैक्ट्री में आग लग गई, कब पता चला ये सर? हमारे पास रात को तकरीबन 2 बजे करीब में फ़ोन आया। फ़ोन आने के बाद एक मेरे भाई साहब इरशाद नाम का, उन्होंने कहा जो अब्बू का आधार कार्ड भेजा जाए। तो मैंने उनसे खामखा कुछ पूछा नहीं, मैंने कहा क्या हुआ है। तो मैंने 2-3 मरतबा पूछने का कोशिश किया तो कितना देर जाने के बाद बताया, सब जल के राख हो गया। तो मैंने बोला जलने का कारण तो कर लिया, कंपनी में आग लग गई है, उसमें 6 लोग यानी कि अंदर बताया जा रहा है, वो छोड़ दो को निकाला नहीं था उस वक्त तक। अब उस वहाँ पे वो गवर्नमेंट द्वारा जो भी टीम पहुँचा या पानी का गाड़ी पहुँचा, उसके बाद यानी कि अंदर से लाश को निकाला गया। अब जिस हालात में हो हम लोग तो देखने नहीं गए हैं, जैसा कि वहाँ से पता चला हम सबको, बस यही बात है। कौन कौन थे उसमें? उस वक्त पर एक हमारे वालिद साहब हैं, एक मोहम्मद मुश्ताक, और एक हमारे भाई साहब है जिसका नाम है कौसर आजम, और एक हमारे खाला का लड़का है जिसका नाम इकबाल है। जी तीनों मिर्जापुर से है और एक जमानिया का है जिसका नाम मरगूब है। अच्छा, यहाँ जो तीनों का नाम बोले हैं एक ही परिवार के हैं? एक ही परिवार के नहीं है, अलग अलग परिवार के। जो मेरे चाचू का लड़का है वो मेरे अपना खास चाचू का लड़के हैं वो, जी। और एक हमारा जो अपना खाला उनका लड़के हैं। हाँ, वो लोग मजदूरी करते थे, जैसे दस्ताना का जो ग्लव्स होता है ना वो बनाते थे, वो लोग मशीन के जरिए से सिलाई करते थे, कुछ लोग फिनिश करते थे। अच्छा जी, कितना दिनों से उस फैक्ट्री में काम कर रहे थे? तकरीबन गए हुए अब्बू को लगभग 6-7 महीना हो गया होगा, और बाद बाकी कारीगर कब गए नहीं गए उसका रब्ता मुझे नहीं है। अच्छा। लेकिन वालिद साहब से पहले एक हमारे चाचू का लड़का, उनसे पहले वालिद साहब से पहले वो काम करते थे वहाँ, जी। तो आप लोगों की क्या मांग है, क्या बॉडी यहाँ पर पहुँचाया जाएगा, कुछ बताया है? जी अभी तो रफ्ता हो रही है, लेकिन हम लोग का कोशिश यही है और सारे लोग भी यही कह रहे हैं जो बॉडी को यहाँ मंगाया जाए, और क्योंकि ताकि हम लोग एक साथ जनाजे की नमाज पढ़ सके और अपने वालिद साहब को अपने हाथ से हम लोग दफन कर सके। और जी कोई मांग है आप लोगों की, परिवार की? और बाद बाकी वो सरकार द्वारा, आप लोग मीडिया वाले, मैं तो किसी को जानता नहीं हूँ, और आप लोग आए हैं तो ये यहाँ आना आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। कब से रह रहे थे वहाँ मुंबई में? 2 साल। हमारे वालिद साहब तो काफ़ी दिन से वहाँ, क्योंकि तकरीबन वो काफ़ी दिन से बाहर रहते थे, लेकिन आना जाना उनका हमेशा लगा हुआ रहता था, लेकिन इस मरतबा जो वालिद साहब गए वो 7 महीने के सफ़र तकरीबन हो चुके थे। जी अच्छा, ये बताइए कि उसके परिवार में जो जो इंतकाल हुए हैं, मौतें हुई है, उनके परिवार में और कौन कौन सदस्य हैं? और बात बाकी जो एक हमारे वालिद साहब हैं और हमारे जो चाचू के लड़के हैं, शायद वो शादीशुदा हैं, उनके पास दो बच्चे हैं शायद, और एक हमारे जो खाला के लड़का है उनके गैर शादीशुदा है यानी कि नौजवान था। क्या सर फैक्ट्री जो कंपनी जो है जी, इस बात को रिस्पॉन्सिबल लिया है कि जो मौतें हुई है उसके लिए कुछ कुछ मुआवजा या? अभी सर वहाँ से कोई मुझे जानकारी मिली नहीं है, क्योंकि मैं अभी सफ़र में हूँ, इस वक्त आया हूँ, अब भाई साहब वहाँ गए हैं, अब वहाँ पे क्या बातें हुई नहीं हुई, लेकिन यहाँ तक मालूम जानकारी जरूर हुई है कि वहाँ पे पोस्टमार्टम की जो पेपर वगैरह होता है वो सब तैयार हो गई है। अच्छा। जी अच्छा, बिहार सरकार हो या महाराष्ट्र की सरकार है, वो इस पर इस घटना को लेकर के क्या कुछ जानकारी? मैं यही कहना चाहूँगा सर आपसे भी और ये मीडिया वाले से भी, और मैं बिहार सरकार हो या बाकी महाराष्ट्र की सरकार हो, जो भी हो, यानी कि जिस तरीके से मजदूर जो अपने बाल बच्चे की मोहब्बत को छोड़कर अपने बिहार को छोड़ के दूसरे देश को जाते हैं, मैं समझता हूँ कि ये चीज़ अपने बिहार में होनी चाहिए सर,
ताकि लोग इतना दूर ना जा पाए, क्योंकि एक जो प्यार मोहब्बत जो बच्चे का जो होता है ना, कसम खुदा की मैं अगर एक में जाना पड़ा है, बड़ी मजबूरी मजबूरी कुछ नहीं, बस एक्चुअली ऐसे ही इंसान का दिल चाहा चले गया कमाने धमाना। तो जब हम जैसे लोग जब हम जैसे लोग नहीं कमाएंगे तब फिर हम लोग खाएंगे कहाँ से। बिहार में यदि आप उनको उन लोगों को काम मिलता तो शायद इतना दूर जो है 2500-3000 किलोमीटर 1800-1850 किलोमीटर दूर जो है जाना नहीं ना पड़ता। बिल्कुल नहीं, अगर ये काम अगर हमारे बिहार में मिलता तो फिर 1850 किलोमीटर जाने की क्या ज़रूरत थी वहाँ। अब आग किस कारण लगी नहीं लगी ये अल्लाह ही बेहतर जानते हैं, कोई जानकारी नहीं हुआ है अभी, कोई जानकारी वहाँ से नहीं। नाम है मोहम्मद तमन्ना। क्या मांग करते हैं कितनी बड़ी? अरे मांग क्या करेंगे, मांग गरीब आदमी है तब ना उतना दूर हम लोग जाते हैं मजदूरी करने। जी, बिल्कुल। तब जाते हैं मजदूरी करने, आ देखिए जो इसका नतीजा यही निकला कि ये इतना बड़ा ये हादसा हुआ है। तो इसके बारे में सरकार जो है सोचे, हम लोग गरीब आदमी हैं। हाँ, बिहार सरकार से क्या मांग करिएगा? जो वो हेल्प करे। महाराष्ट्र सरकार भी तो कुछ घोषणा करना चाहेंगी इस घटना को लेकर के? तो वो तो महाराष्ट्र सरकार समझे। मांग तो करिएगा ना। हाँ मांग तो है। क्या मांग करिएगा चाची? हाँ की मांग करिएगा? कुछ नहीं, हमारे जाई थी के मर जे गेला, दुए ठो बच्चा है, चारे दिन जड़ में भेला, एगो बच्चा का एगो छोटो लड़का। नाम है उनका? उनका कौसर आलम। कौसर आलम है जो मर गेला से सम्मा परवीन, हमारे जाई थी। अपन जाई थी? हाँ। अच्छा, आ न मर गए से नौती है, सब अपने ही है, परिवार में एक परिवार में ई दामाद हो है। आ वो न मर गए से भेगने है, सब एक परिवार के। अब तो सब जे दिया दहू, तोरे सबूते जे हो से कह दहू, गरीब है बहुत। क्या मांग करते आप? जे आप लोग के खुशी है सही दीजिए, आप कोई क्या करेंगे? जही मांगे कहेंगे होगा वही ने मांगेंगे। की नाम है? जहीदा खातून। आपके अब्बा थे? हाँ, मेरा अब्बा। कब पता चला आप लोगों को? हमको 2-3 बजे पता चला है, जो अब्बा से जर कर जाती फैक्ट्री में आग लग गया है, जो हॉस्पिटल में भर्ती है, तो वहाँ से हम आए हैं यहाँ। तो यहाँ बोला अब्बा डेट कर गए। क्या मांग करते आप लोग? हम लोग मांग करते हैं, मेरा भाई और मेरा अब्बा लोग बहुत गरीब है, आ सरकार जो मदद कीजिएगा वो अच्छा है। सब मजदूरी करने अकेले कमाते थे वहाँ? अब्बा घर चलाने वाले अकेले थे? अब्बा हाँ अकेले है। अच्छा, कब से रह रहे थे वहाँ? अब्बा को कल से 8 महीना हो जाएगा वहाँ गए। 7 महीना पहले गए थे? 8 महीने, यहाँ से 2 साल से काम करता हूँ। 2 साल से वहाँ? क्या काम करते थे? दस्तानों के काम कर, सिलाई करते थे मशीन पे। अच्छा, तो बात हुई होगी ना आप लोगों की कल परसों? हमको परसों अब्बा से बात हुआ था, कल नहीं हुआ था अब्बू से बात। कल नहीं, परसों हुआ? परसों बात हुआ था अबू से। क्या मांग करते हैं सरकार से? हम क्या मांग करेंगे, जो गरीब है वो अल्लाह सरकार जो मदद कर दीजिएगा वो भी अच्छा है। अच्छा, ये कौन है आपके? अम्मी है।